कोरोना काल में परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ युवाओं का एक दिवसीय भूख हड़ताल। गया के गांधी मैदान गेट नंबर 5 पर AISF के सदस्यों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल कर सरकार को चेताया। शांति से प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल दागे। प्रदर्शन का उद्देश्य प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित करना, विद्यार्थियों के 6 महीने का किराया बिजली बिल माफ करना, साथ ही केंद्र सरकार के निजीकरण का विरोध भी किया गया। जिस तरह से आपको प्रतियोगिता परीक्षा दिया जा रहा है और इस कोरोना काल में जब पूरा हिंदुस्तान बंद है, इस वक्त आप प्रतियोगिता परीक्षा ले रहे हैं और जिसमें छात्रों को मजबूर होकर अपने घरों से बाहर निकल कर परीक्षा स्थल पर जाना होगा, इस बीच में अगर छात्र और उनके अभिभावक को कोरोना हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेती है? इस चीज़ का प्रश्न हम पूछना चाहते हैं सरकार से। जो लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो छात्र विरोधी नीतियाँ बना रही हैं, जो छात्रों के विरोध में जो नीति बना रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल किए हैं। हड़ताली युवाओं ने कहा कि वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। बाहर में सभी विद्यार्थी रूम रेंट किराए पर लेकर पढ़ते हैं। 6 महीने से शिक्षण संस्थान बंद है। मकान मालिकों द्वारा किराए की मांग की जा रही है, जिससे अभिभावक गण आर्थिक तंगी से परेशान हैं। सभी का 6 माह का बिजली बिल मकान किराया माफ किया जाए। बिजली बिल लग रहा है, जब सब कुछ लॉकडाउन है तो बिजली बिल क्यों देगा? एक आम आदमी के पास ऐसे ही आर्थिक रूप से तंगी है, उसके बावजूद भी जो लगातार इस तरह से चीजें चल रही है, बंदी में उनसे आर्थिक बोझ दिया जा रहा है। बिजली बिल हो, हाउसिंग टैक्स हो, जितने प्रकार के टैक्स है, सारे चीज उन पे लग जा रहे हैं। उस चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, गया।